हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कोई सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पे जैसा कि एक लाइन लिखा हुआ देख रहे हैं, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट सिचुएशन। हर व्यक्ति का अपना एक अलग स्थिति रहता है, परिस्थिति रहता है, अलग सिचुएशन रहता है। दोस्तों, जैसा कि अभी के इस दौर में हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो बहुत सारे कैसे हाउ टू सक्सेस, हाउ टू गेट आउट ऑफ द फेलियर्स, इस तरह का बहुत सारा वीडियोज़ मिल जाएगा जो हम लोग और आए दिन हम लोग सुनते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम एक न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का मार्केट बढ़ रहा है धीरे धीरे। मोटिवेशनल जो इस तरह के वीडियोज़ और धीरे धीरे उनका इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर रहा है, क्योंकि अभी के दौर में बहुत सारे लोग हताशा निराशा का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो सभी लोग टेंशन और डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बहुत सारे जो लीडर्स, जो सक्सेसफुल जो लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं और उनके रास्तों पे चलने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लाइन बहुत इम्पोर्टेंट आज लगा, एवरी पर्सन इज डिफरेंट सिचुएशन, ये क्यों लिखें इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, हम भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं, बिल गेट्स के बारे में पढ़ते हैं, मेरे कहने का मतलब कि बहुत सारे जितने भी जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ जो हुए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं, महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो और उनसे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को सफलता नहीं मिलता है, या वो मोटिवेशन हमारे काम का नहीं रह पाता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे ये लाइन आपको समझना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया है, हम लोगों को उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, बेशक हम भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, जितने भी महान पुरुष हुए, ग्रेट पर्सन्स हुए, उनके बारे में हम लोग उनके ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि उनका जो लाइफ था, उनका जो लाइफ का जो कंडीशन था, जो लाइफ स्टाइल था, वो बिल्कुल अलग था। हमको अपना देखना है, हर लोगों का जो लाइफ, जो सिचुएशन है, जो उनके लाइफ का जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, चाहे वो सोशल इकोनॉमिकल, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है। तो हम लोग को ये समझना है कि हमारा आर्थिक स्थिति क्या है, समझ रहे हैं आप बात को, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना होगा। आज के लोगों को अगर इस चीज़ को हम अगर समझ जाएंगे तो हमें कोई मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पर्सनालिटीज़ के बारे में, कोई महान पुरुष के बारे में पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हमारे लिए सबसे महान व्यक्ति अगर कोई है तो हमारे माता पिता हैं, हमारा परिवार है, और हमारा परिवार, हमारा माता पिता से बढ़कर कोई मोटिवेशन दुनिया में नहीं है। दोस्तों, ये बात सच्चाई है। आप अपने परिवार को देखिए, आप अपने माता पिता को देखिए, आप अपने घर के आर्थिक स्थिति को देखिए कि आपका घर का आर्थिक स्थिति क्या है और उससे कैसे बाहर निकलना है, आपका परिस्थिति क्या है, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और उससे कैसे बाहर निकला जाए, आपको सोचना होगा। और एक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता है, आपका लाइफ, आपका जो परिवार में जो समस्या है, आप जो जिस समस्या को झेल रहे हैं, आप जिस स्थिति में रह रहे हैं, आपको खाने का दिक्कत है कि रहने सहने का दिक्कत है, आप किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है, और न ही हम उस चीज़ को किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन गाथा से हम लोग समझ सकते हैं। हमारा लाइफ, हर व्यक्ति का जो लाइफ है, हर व्यक्ति अलग अलग है, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। और हर व्यक्ति का जो स्थिति है, पारिवारिक स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति, वो अलग अलग होता है, कोई एक समान नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए जब समस्या अलग अलग है तो समाधान एक नहीं हो सकता है, समाधान भी अलग अलग होगा। और इसीलिए हम लोगों को ये चीज़ समझना होगा, जैसे हम लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं, महान पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, तो कभी कभी आप उनके बारे में देखते होंगे कि वो बहुत अमीर थे, बहुत अच्छे घर के थे, उनका बैकग्राउंड अच्छा था, भले ही लाख उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया हो, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था,
और हम अपना कंडीशन को देखेंगे कि हमारा कंडीशन क्या है, हमारा समस्या क्या है, ये चीज़ को हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, हम लोग आए दिन पढ़िए सब लोगों के बारे में, लेकिन जो सिचुएशन है उनके, उनका सिचुएशन, उनका आर्थिक स्थिति घर का क्या था, उनका पारिवारिक स्थिति क्या था घर का, इस चीज़ को समझिए। अगर इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमारा सबसे बड़ा जो इनर मोटिवेशन है वो खुद हमारे आसपास दिखेगा। हमें किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ने का ज़रूरत है, किसी राइटर्स के, किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोज़ देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम अपने समस्या वो तो हमारे साथ में है, वो हमारे आसपास है, उसको आप ध्यान से देखिए। अगर उसको देखिएगा और उससे और उस समस्या का समाधान भी आपके पास होगा कि कैसे उससे बाहर निकलना है, तो आप ज़रूर आप सफल हो पाइएगा। तो आई होप आपको ये लाइन अच्छा लगा होगा, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट सिचुएशन। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने आसपास, आप अपने में, आप अपने परेशानियों को देखिए और उससे कैसे बाहर निकलना है ये आपको ज़रूर पता होगा, और बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।